जो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एकदम नया टॉपिक आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम लोग आज के दिन रिफ्लेक्शन ना पढ़कर रिफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं, और रिफ्रेक्शन के अंदर हम लोगों को एक रिफ्लेक्शन वाली बात देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो, हमने ऐसा जाना था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम लोगों ने बोला था रिफ्रेक्शन। इसी बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं कि जब लाइट हमारी डेंसर से कहाँ जाए, रेयरर मीडियम के अंदर जाए, लाइट कहाँ जाए, डेंसर से रेयरर। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना भाई, कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो लाइन के नीचे है, वो हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, वो डेंसर मीडियम कोई भी हो सकता है, और ऊपर हमारे पास कौन है बच्चों, रेयरर मीडियम। अब वो रेयरर मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे आप इसे एयर ले लीजिए, ठीक है ना, और मैं इसे ग्लास ले लेता हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ कोई सोर्स है बच्चों, ठीक है, उस सोर्स से क्या चलती है, एक रे चलती है और बाउंड्री पर जाकर स्ट्राइक करती है। ये बाउंड्री है जो दो मीडिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू मीडिया, दो मीडिया को ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या होगा, लाइट हमारी आएगी और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी से I1। ठीक है, लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, और मान के चलते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वहां पर R1 बनेगा। हम लोगों ने क्या कहा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये हमारा नॉर्मल है। लाइट अब यहाँ से फिर चलकर आ रही है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन को कंसिडर नहीं करना, नीचे वाला करना, ठीक है ना। अब आप लोगों को देखकर लग रहा है कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I2 हो गया, ठीक है ना, और वो I2 हमारे पास बड़ा है I1 से। अब क्या होगा, लाइट फिर कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, और कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है, और लाइट हमारी अब इधर बैंड हो गई, और यहाँ पर हमें क्या मिला, एक एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मिला R2, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करा कि एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन फिर बढ़ाया तो हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से रे फिर चलती है, मैं पूरा नहीं बना रहा, जस्ट यहाँ दिखा रहा हूँ कि यार रे ऐसे चलकर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल कहलाया IC, और ये IC I3 के इक्वल था, सच दैट कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। प्यारे बच्चों, जब जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन कब, जब लाइट हमारी डेंसर से कहाँ जाए, रेयरर मीडियम में जाती है। एक पर्टिकुलर एंगल से I3 इस तरह से चूज करा कि एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है भाई, बात समझ में आई। यानी कि जिस एंगल के ऊपर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अब कहता है कि अगर लाइट को हम लोगों ने फिर से फॉल कराया, लाइट फिर यहाँ से चलकर आएगी प्यारे बच्चों,
तो हम लोग देखेंगे कि इस बारी जो एंगल होगा ना वो बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब यहाँ पर लाइट का जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा, जब रिफ्रैक्ट होगी तो 90 से बड़ी होगी, 90 से बड़ा होगा एंगल, तो वो उसी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी जिस मीडियम से वो जा रही थी, ठीक है ना। तो इस फिनोमिना को बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना भाई। ये वन और ये टू, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। यानी कि इस दौरान हम लोग देखते हैं कि जब लाइट एक एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं और वो एंगल हमारा ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है 90 से। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बड़ा हो गया 90 से, तो हम लोग देखेंगे कि लाइट उसी मीडियम के अंदर वापस आ गई जिस मीडियम से वो जा रही थी। तो इस फिनोमिना को यहाँ पर बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई, इस फिनोमिना को हम लोगों ने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन है, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि भाई हमारी जो लाइट है वो कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जानी चाहिए। कि लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी हमारा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना होगा, ठीक है भाई। बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि जो एंगल आई और ये जो एंगल आर डैश, ठीक है ना, ये आर डैश मानते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन जब बोल दिया तो ये लाइट जो इंसिडेंट कर रही थी और ये अब ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। तो इसको जब देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल थे, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। इसकी बहुत एप्लीकेशन है, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि स्नेल्स लॉ को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ के लिए यहाँ हम लोग बात करते हैं। देखो ये डेंसर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू होगा, और ये हमारा रेयर एयर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द स्नेल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। अब देखो ये मीडियम कौन सा है, डेंसर है, तो म्यू टू साइन आई सी, यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इक्वल था, इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, और आर यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल है। मैं यहाँ लिखता हूँ म्यू टू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन साइन 90 डिग्री, म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन में साइन आई सी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप लोगों ने ध्यान देना है कि जो साइन 90 होता है वो वन के इक्वल होता है, ठीक है, और म्यू टू बाय म्यू वन ये म्यू के इक्वल हो गया, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन में साइन आई सी,
ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दोनों इनवर्स रिलेशन में है, कि अगर म्यू ज़्यादा होगा तो आई सी कम होगा, म्यू कम होगा तो आई सी ज़्यादा होगा। फंडा क्लियर हुआ? तो ग्राफ अगर इसका बनाना पड़े तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ये हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। बात आपको समझ में आई? ठीक है ना, अगर कोई मीडियम है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आई? आगे बढ़े, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों एक बार इसको पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई ऐसा वो बोल दे कि भाई हमारे पास कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बोल दे कि 2/√3 है। ठीक है ना, कितना है? 2/√3 है। ठीक है, और पूछ ले फाइंड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, वो पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे? क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो हम क्या देखेंगे? देखिए बच्चों, कि हम लोगों ने पढ़ा कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, एक ही बात है, या हम लोगों ने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है ना, अब उसने क्या कहा, म्यू का वैल्यू यहाँ दे दिया, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/2/√3। ठीक है ना, अब साइन आई सी को कंपेयर करें तो ये किसके इक्वल होता है? साइन 60 के इक्वल होता है। साइन से साइन कट गया, एंगल आई सी किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के इक्वल यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई? ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम लोग कुछ को यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। किसका बात करते हैं हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर। देखो, ऑप्टिकल फाइबर आज की दिन अगर हम लोग बात करें तो बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। आप जितना भी डाटा ट्रांसमिशन देखते हैं, ठीक है ना, हम लोग अपना इंटरनेट जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कहाँ से चल कर आता है? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू चल कर आता है। यहाँ पर जो समुंदर है, जो हमारे ओशंस हैं, उनके अंदर बहुत लंबी लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं, जो कंट्री बाई कंट्री एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया से हर कंट्री के लिए फाइबर केबल्स निकल रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तभी तो हम लोग एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। अब ये फाइबर केबल काम कैसे करती है, हाँ उसके ऊपर बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, फाइबर केबल के दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो अंदर का पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है इसको बोलते हैं कोर, और जो शेडेड करके रखा हुआ है इसको बोलते हैं क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये क्लेडिंग क्या होती है? लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, यानी कि एक तरह का प्लास्टिक ही होता है दोनों, लेकिन सिर्फ फर्क किस में है? इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ये एज ए μ2 की तरह काम करेगा, ये एज ए μ1 की तरह काम करेगा। अब यहां से लाइट ऐसे जाएगी अंदर की तरफ,
गई और हमने देखा कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है ना, बात समझिए। यानी कि हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है देन क्रिटिकल एंगल के, तो लाइट क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, अब ये एंगल क्या होगा, आर होगा। ये और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आर भी किसके इक्वल होगा, आई के। फिर दूसरे नॉर्मल पे आएगी तो ये भी एंगल कितना होगा, आई। तो ये बार बार ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करती हुई लाइट आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि लाइट हर बारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लाइट में हमारा क्या हो, डाटा हो, यहाँ हम कहें इंफॉर्मेशन हो, तो ये जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर ट्रांसमिट हो जाता है बिना किसी लॉस के। ठीक है, क्योंकि सारे की सारी एनर्जी वापस इसी डायरेक्शन में आ गई। ठीक है ना, बाहर निकली नहीं, तो लाइट में कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है ना, वो जैसी थी वो वैसे ही पहुंच जाती है। क्लियर है, तो ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है ना, कभी कभार आप लोगों को लैंप के अंदर भी नज़र आ जाता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर कुछ लैंप्स के अंदर भी यूज़ करी जाती है, स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल कलर्स में। ठीक है, बात समझ में आई। आगे बढ़े, आपने बात करते हैं हम लोग मिराज की। ठीक है, देखो ये मिराज वाला जो फिनोमिना है हमें वहाँ या उस रीजन में देखने को मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता हो। जनरली हमें समर के अंदर देखने को मिलता है, हमारे इस रीजन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, हरियाणा और राजस्थान में भी हमें ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं, देखो होगा कैसे ये। देखो ड्यूरिंग समर टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जब बिल्कुल धूप निकली हुई हो और या हम कहें लू चल रही हो, उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, इसके आसपास की जो एयर होगी वो हॉट होगी। ठीक है ना, कैसी होगी, हॉट एयर। क्लियर है, और हॉट एयर का मतलब कि ये कैसा मीडियम हो गया, एज ए रेयरर मीडियम की तरह। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से जितनी भी गर्म हवा होगी ना वो यहाँ से उठ के चली जाएगी, यानी कि एक तरह का टेम्परेरी वैक्यूम यहाँ से क्रिएट हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल नियर द अर्थ सरफेस यहाँ पर बिल्कुल भी हवा या हम कहें ना के बराबर एयर होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो उस दौरान हम लोग देखेंगे कि भाई ये कैसे ट्रीट करता है, एज ए रेयरर मीडियम की तरह ट्रीट करता है। और ऊपर वाला जो रीज़न है जो हमें नज़र आ रहा है ये कैसे काम करता है, जो शेडेड कर रहा हूँ ये एज ए डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कंपेरेटिव थोड़ा सा ठंडा होता है, कूलर देन द लोअर सरफेस। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, कि मान लेते हैं कि यहां कोई पेड़ है, ठीक है ना, अब इससे क्या चल के आएंगी, रे चल के आएंगी। ठीक है ना, रे ऐसे जाएगी, अब रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो यहां देखेंगे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हाँ कि ना, और जब हमारी आंख तक पहुंचेगी तो ये रे हम लोगों को यहां से चलते नजर ना आके कहां से चलते नजर आएगी, यहाँ पीछे से चलते नजर आएगी। यानी कि यहां पर हमें यहाँ ट्री उल्टा नजर आएगा, ठीक है ना, यहाँ ट्री कैसा नजर आएगा, बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। तो जो डेजर्ट वगैरह होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई एक पेड़ है बहुत दूर है, ठीक है, जब उसको देखते हैं तो हमें उसकी परछाई एक मिरर इमेज नीचे की तरफ नजर आती है।
ठीक है ना। ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज ऑफ ट्री, ठीक है। हमें कहाँ नज़र आ रही है? नीचे की तरफ नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा छोड़ दो, क्लियर है बच्चों? ठीक है। और ऐसा हमें ऑन रोड भी नज़र आता है काफ़ी बार, जब आप दिन के टाइम अगर गाड़ी में बैठे हैं और फ्रंट सीट के ऊपर आप बैठे हैं, फ्रंट इन द सेंस जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट है, तो आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर है ना, कुछ कुछ जगह पे ना ऐसा लगता है कि पानी बिखरा हुआ है, पर जब वहाँ पहुँचते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर कैसा फिनोमिना है? मिराज फिनोमिना है। मिराज फिनोमिना की वजह से जब कार चलती है, ठीक है ना, पीछे बनाते हैं, जब बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कार चलती है और कार की जो ये रोड होगी हमारा, ठीक है, आपकी दूसरी तरफ ही कार आ रही है, ठीक है। यहाँ होगा क्या कि यहाँ से जब हेडलाइट है, हेडलाइट से सर रेज निकलती है, तो ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है और आप लोगों के आंखों तक ऐसे पहुँचती है, ठीक है ना। लाइट गेट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये कार उल्टी नज़र आती है, यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से चलकर आती नज़र आती है। आप देखना यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी बिखरा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर लाइट क्या होती है? जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखोगे स्पार्किंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड हमारा स्पार्कल करता हुआ नज़र आता है, वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अज्यूम करके चले प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमने कोई डायमंड है, ठीक है, ये हमारा डायमंड हो गया, ठीक है, पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे लाइट एंटर कर गई ऐसे, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर गई, एंटर्स इन डायमंड, डायमंड के अंदर लाइट यहाँ बच्चों एंटर कर गई। एंटर करने के बाद अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। मान लेते हैं वो इधर पहुँची, ठीक है ना, इस सरफेस पे पहुँची। अभी सरफेस पे जैसे ही पहुंची ना, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो ये लाइट हमारी इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब इस सरफेस पे पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा, तो इस पे पहुंची नीचे, तो ऐसे वो क्या करती है? रोटेट करती रहती है, ठीक है ना। तो ये लाइट हमारी ऐसे बार 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करती रहती है, ठीक है ना। लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैनी टाइम्स बिफोर इमर्ज, मतलब बाहर निकलने से पहले बहुत बार इसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जब इस डायमंड को हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल शाइन करता हुआ नज़र आता है, ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है डायमंड की कटिंग के ऊपर, कि डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है कि हर बार जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। और इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस
यानी कि हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात करें यहाँ, क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए बहुत स्मॉल होता है, इज स्मॉल फॉर डायमंड एज म्यू बहुत ज़्यादा है, और म्यू कितना है 2.42 के आसपास है। ठीक है बच्चों, इस वजह से लाइट बार 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 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, काफ़ी बार ही आप लोगों को नज़र आएगा शाइनी बबल इन वाटर, वो भी हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है। मान लेते हैं कि ये वाटर है बच्चों, ठीक है ना। अब इस वाटर के अंदर हमारे पास क्या हो गया, ये बबल हो गया। ठीक है, कहीं से प्यारे बच्चों रे चल कर आ रही है। ठीक है, अब वाटर है और ये एयर बबल है। ठीक है, तो यहाँ एयर होगी तो कैसे काम करेगा, एज ए रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा। वाटर कैसे काम करेगा, एज ए डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर देखेंगे कि वो बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है ना, यानी कि ये आई बड़ा है आई सी से। तो उस दौरान क्या होगा कि लाइट हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई बच्चों, ठीक है ना। अब ये लाइट हमारे तक पहुंचती है तो हमें ये कैसा बबल शाइन करता हुआ नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं, व्हेन लाइट रीचेस टू आवर आई इट्स लुक शाइनी, ठीक है ना, वो शाइन करता हुआ नज़र आता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। ह्यूमन आई, ठीक है बच्चों, ठीक है, पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उंगलियां दर्द करने लग गई हैं, इस वजह से थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा बना। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, यानी कि हम लोगों ने स्पीड निकालनी है, वो भी किस में, मीडियम में, जिसका क्रिटिकल एंगल हम लोगों ने 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि आई सी दे रखा है बच्चों 30 डिग्री। और हमें रिलेशन पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी। अब म्यू होता है सी बाय वी के इक्वल होता है, होता है कि नहीं होता, इज इक्वल टू 1/sin आई सी। सी हमें पता है 3 × 10⁸ बाई वी, और साइन आई सी साइन 30, 3 × 10⁸ बाई वी और साइन आई सी, ये जो 30 हम लोगों ने पुट करा इसकी वैल्यू थी 1/2, यानी कि 1/2। 3 × 10⁸ इज इक्वल टू, सॉरी, बाई वी इज इक्वल टू 2 आ गया, वी इज इक्वल टू यहाँ पे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2, यानी कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ लिख सकते हैं, साइन आई सी 1/√2 हो गया। अब ये हमें पता है कि ये 45 के इक्वल होता है, साइन से साइन कट गया, यहाँ पर कह सकते हैं कि आई सी किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहे क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, ठीक है ना,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम। कह रहा है कि भाई एक लाइट है हमारी, वो कहाँ जा रही है बच्चों? डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, और ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई सी। तो कह रहा है कि इस टाइम पे जो रेयरर मीडियम के अंदर एंगल बनेगा वो कितना होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ही बनता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? बात करते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द क्रिटिकल एंगल इज स्मॉलेस्ट। भाई क्रिटिकल एंगल छोटा होने के लिए कंडीशन क्या है? भाई रिलेशन पता है, वन अपॉन में साइन आई सी, अगर म्यू ज़्यादा तो आई सी कम होगा, म्यू कम होगा तो आई सी ज़्यादा होगा, तो जिसका म्यू ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, ठीक है। वाटर टू एयर का जो देखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आता है लगभग 4/3। ग्लास टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की बात करें तो 3/2 यानी कि 1.5, और ये 1.3 के इक्वल आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वाटर देखते हैं तो ये लगभग 8/9 के इक्वल आता है, और डायमंड की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ग्लास बाय वाटर 9/8 आप लोग लिख लो, ठीक है, मैंने रेयर टू डेंसर लिख दिया। और वो डायमंड की बात करते हैं तो ये लगभग 2.42 के इक्वल आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चों? डायमंड का है। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही छोटा हमारा क्रिटिकल एंगल होगा, ये बात हम लोगों को समझ में आती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे इन ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज, अब हमने देखा था कि हमारे पास ऐसे हमने ऑप्टिकल फाइबर बनाई थी, ठीक है ना, और इसको हम लोगों ने शेडिंग करा था, ये हमारी क्लेडिंग थी और ये बच्चों हमारी कोर थी। तो ये हमारा एज ए डेंसर मीडियम था और ये हमारा एज ए रेयरर मीडियम था, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और क्लेडिंग का म्यू वन, और हमें पता है कि जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और हमारे रेयरर मीडियम का कम। तो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और क्लेडिंग का कम होगा। तो इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए देन द क्लेडिंग, ग्रेटर देन द क्लेडिंग, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों को समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ? आप लोग कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।